खटीमा के जंगलों से वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ी तस्करी लगातार जारी है। वन विभाग द्वारा लकड़ी तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर खटीमा वन रेंज की टीम ने पीलीभीत रोड पर सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरी एक गाड़ी पकड़ी और गाड़ी में ड्राइवर सहित दो अन्य लकड़ी तस्कर सवार होकर फरार होने में कामयाब रहे। साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि एक कोई गाड़ी जो है बहेड़ी की आई है यहाँ हमारे खटीमा वन क्षेत्र के अंदर में, वो गाड़ी जो है सागौन ले जाएगी। तो मेरे द्वारा मुझे जो है मुगवर द्वारा जो है रात करीब 10:15 बजे सूचना दी गई कि गाड़ी वो भर करके खटीमा की तरफ आ रही है, जिसको जो कि बहेड़ी की तरफ को जाएगी। तो मेरे द्वारा तुरंत स्टाफ को तैयार कर मेरे द्वारा खुद ही जो है इस गाड़ी की जो है रेकी करेगी। रेकी के दौरान जो है मैंने इस गाड़ी को जो है आपके खटीमा और मझोला जो पीलीभीत मार्ग है उस मार्ग में मैंने इसको पकड़ा। मौके पर 3 अपराधी थे जो गाड़ी को तुरंत जाए खड़ी करके मौके से फरार हो गए। ये लकड़ी उन्होंने ऐसा अभी जांच की जा रही है, मैंने अपने स्टाफ के द्वारा जाए उसको भेजा गया कि लकड़ी कहाँ कटी है। हमारे यहाँ वन निगम का कटान चल रहा, वन निगम का भी हो सकता है ये जो प्रकाश साबुत प्रकाश बरामद हुआ है, तो इसकी जो जाँच की जाँच के उपरांत ही पता चलेगा कि ये कहाँ से कंपार्टमेंट से है।